अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं और आपकी टोटल सर्विस 10 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो फिर आप जो है एलिजिबल हो जाते हो ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से हर महीने पेंशन लेने के लिए ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत। इसके लिए आपको जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करना पड़ता है। अब जब मंथली पेंशन फॉर्म 10D ऑनलाइन अप्लाई करते हैं काफ़ी सारे मेंबर्स को जो है रिड्यूज पेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, काफ़ी सारे मेंबर को जो है डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है जब वो मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इस पर लॉगिन करके। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि भाई मंथली पेंशन के लिए जब आप फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं तो जो रिड्यूस पेंशन का जो ऑप्शन देखने को मिलता है इसका क्या मतलब है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर आपको जो डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि दोनों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हर बार की तरह नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अगर आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आप पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और वन बाय वन दोनों ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रिड्यूज पेंशन के बारे में। देखिए ये जो ऑप्शन है रिड्यूज पेंशन का ये किनको देखने को मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये उन्हीं मेंबर को देखने को मिलता है जिनकी एज 58 साल की कंप्लीट नहीं हुई है और वो जो है 58 साल से पहले ही जो है पेंशन लेना चाहते हैं तो उनको ये जो है ऑप्शन देखने को मिलता है। ईपीएफओ का नियम है कि आपकी टोटल सर्विस 10 साल से ज़्यादा की हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत हर महीने पेंशन लेने के लिए। बट ईपीएफओ ये भी कहता है कि अगर आप 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहते हो यानी कि 50 साल के बाद और 58 साल से पहले पेंशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसके लिए यहाँ पर ईपीएफओ ऑप्शन देता है रिड्यूज पेंशन का। अब रिड्यूज पेंशन के बारे में आपको पता चल गया किनको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, उन मेंबर्स को ये ऑप्शन देखने को मिलता है जिनकी एज 58 साल से कम है और वो जो है मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर नो कर देते हैं रिड्यूज पेंशन के ऑप्शन पर तो यहाँ पर आपको जो है एक मैसेज देखने को मिल जाएगा कि भाई आपकी जो है एज 58 साल की नहीं हुई है, जब आपकी एज 58 साल की हो जाए उससे पहले महीने में आप जो है फॉर्म 10D अप्लाई कीजिए। तो आपको 58 साल की जब एज हो जाएगी, जैसे कि अगले महीने आपकी 58 साल एज होने वाली है तो उससे पहले महीने में आप जो है फॉर्म 10D अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर रिड्यूज पेंशन के ऑप्शन पर अगर आप यस प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन और आ जाता है ऑप्टेड डेट, यानी कि आपको जो है पेंशन मिलेगी 58 साल से पहले आप पेंशन ले सकते हो बट आपको जो है पेंशन कम मिलेगी। रिड्यूज का मतलब होता है कम पेंशन मिलेगी आपको। अब कम पेंशन कितनी मिलेगी चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर रिड्यूज पेंशन के ऑप्शन पर अगर आप यस कर देते हो तो यहाँ पर ऑप्टेड डेट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ऑप्टेड डेट पर जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सेलेक्ट करनी रहती है मंथ डे ईयर कि कौन सी डेट से कौन से साल से कौन से महीने से आपको जो है पेंशन लेनी है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट करके फिर आप जो भी आप डेट जो भी महीना जो भी ईयर जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है आगे का जो भी नॉर्मल जो डिटेल मेंशन करनी रहती है वो मेंशन करके आप जो है फॉर्म 10D अप्लाई कर दीजिए। तो रिड्यूज पेंशन का मतलब यही होता है कि अगर आप 58 साल की एज में पेंशन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि भाई मेरी 52 साल की एज होगी है या फिर 51 साल की एज होगी है या फिर 53 साल की एज होगी है, कहने का मतलब ये है कि समय से पहले अगर आप 58 साल से पहले और 50 साल के बाद अगर आप पेंशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर ईपीएफओ ये ऑप्शन देता है रिड्यूज पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट करके आप जो है 58 साल से पहले भी पेंशन ले सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपको जो है रिड्यूज पेंशन का जो ऑप्शन है यहाँ पर यस करके और यहाँ पर ऑप्टेड जो डेट है यहाँ पर आपको जो है डे मंथ ईयर सेलेक्ट करना रहता है कि कब से आपको जो है पेंशन चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप समय से पहले पेंशन लोगे तो आपको क्या नुकसान होगा, आपको नुकसान ये होगा कि आपको जो साल की जो पेंशन मिलती है उसमें से 4% पेंशन आपको कम मिलेगी। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए मान लीजिए 58 साल की एज में आपकी जो पेंशन है वो 1000 रुपये बन रही है, तो यहाँ पर मैंने जो है कैलकुलेटर ओपन कर लिया है
तो 1000 रुपये आपकी 58 साल की एज में जो है पेंशन मिल रही बन रही है 1000 रुपये महीने की, तो 1 साल की आपको कितना मिलेगा 12000 रुपये। तो 4% जो है पेंशन हर साल आपको कम मिलेगी। तो यहाँ पर इसको जो है गुना कर देते हैं 4 से और भाग दे देते हैं 100 से, तो यहाँ पर आपको पेंशन कितनी मिलेगी 1 साल में कम 480 रुपये, यानी कि इसको भाग दे देते 12 से तो यहाँ पर हो गया 40 रुपये कम। और यहाँ पर 1000 रुपये पेंशन मिल रही थी तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी 960 रुपये, क्योंकि 40 रुपये कम आपको पेंशन मिलेगी, 4% पेंशन कम मिलेगी। इसी तरह से अगर आप 57 साल की एज में लेंगे तो 4% कम मिलेगी, अगर आप जो है 56 साल की एज में पेंशन लेना शुरू कर देंगे तो 8% हो जाएगा, अगर आप 55 साल की एज में लेना शुरू कर देंगे तो 12% आपको जो है कम पेंशन मिलेगी। इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ कि मान लीजिए 58 साल की एज में आपकी जो पेंशन है वो 2000 रुपये बन रही है, यानी कि आपको 2000 रुपये पेंशन मिलेगी हर महीने 58 साल के जब आप हो जाएंगे तो। बट आप जो है 56 साल से या फिर 57 साल से पेंशन लेना चाहते हो तो फिर जो है मैंने आपको बताया कि अगर आप समय से पहले पेंशन लेते हो यानी कि 58 साल से पहले पेंशन लेते हो तो हर साल 4% जो है पेंशन आपकी कम हो जाएगी। तो 58 साल की एज में आपको जो है 2000 रुपये पेंशन मिलेगी तो हर महीने, तो 1 साल की पेंशन कितनी होगी यहाँ पर 24000 रुपये। अब इसको यहाँ पर गुना करते हैं 4 से, भाग दे देते हैं 100 से, तो यहाँ पर जो है आपको 960 रुपये कम पेंशन मिलेगी 1 साल में। अब इसको जो है भाग दे देते हैं 12 से, तो यहाँ पर हो गया 80 रुपये। तो अगर आप जो है उन 58 साल से पहले यानी कि 57 साल से अगर आप पेंशन लेना चाहोगे तो मान लीजिए 58 साल में आपकी जो है 2000 रुपये पेंशन बनी, तो जो है 57 साल से लेंगे तो 2000 रुपये में जो है आपको 80 रुपये कम कर लीजिए आप, तो कितनी पेंशन मिलेगी आपको यहाँ पर 1920 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। इसी तरह से अगर आप जो है 56 साल में पेंशन लेना शुरू करोगे तो आपकी 8% पेंशन कम हो जाएगी, साल के हिसाब से कह रहा हूँ, मतलब हर साल आपकी 4% जो है पेंशन कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको रिड्यूस पेंशन यानी कि कम पेंशन लेनी है या फिर नहीं लेनी है। अगर यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी एज जो है 58 साल की नहीं हुई है और आप जब 58 साल के हो जाएं उसे 1 महीने पहले आप जो है ये जो है फॉर्म 10D अप्लाई कीजिए। तो रिड्यूस पेंशन का ऑप्शन उन्हीं मेंबर्स को देखने को मिलता है जिनकी एज जो है 58 साल की कंप्लीट नहीं हुई है और वो 58 साल से पहले जो है मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं, तब उनको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको जो है रिड्यूस पेंशन के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं डेफर्ड पेंशन के ऑप्शन के बारे में। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन किन मेंबर को देखने को मिलेगा। डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन जो मेंबर 58 साल के हो गए हैं और जब वो 58 साल की एज में जो है मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D अप्लाई करते हैं तो उनको जो है डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। डेफर्ड पेंशन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, यस और नो। तो यहाँ पर अगर आप नो सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, सिंपल आप जो है जो भी आपकी डिटेल आपसे मांगी जाती है फॉर्म 10D फॉर्म में वो भरिए और फॉर्म 10D जो है अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आपकी जो पेंशन है वो 58 साल से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप यस सेलेक्ट कर देते हैं, डेफर्ड पेंशन यस सेलेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद आपके सामने 2 और ऑप्शन आ जाते हैं, डेफर्ड पेंशन एज का और डेफर्ड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का। अब यहाँ पर आपने यस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर डेफर्ड पेंशन एज यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 एज आती हैं 59 और 60। तो यहाँ पर EPFO आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अगर 58 साल के हो गए हैं, आप चाहते हो कि मैं 58 साल की एज में पेंशन ना लूं, मैं 59 साल की एज में पेंशन लेना चाहता हूं या फिर 60 साल की एज में पेंशन लेना चाहता हूं, तो EPFO ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी पेंशन 58 साल की एज में स्टार्ट ना करके आप जो है 59 साल से भी लेना शुरू कर सकते हो या फिर 60 साल से भी लेना शुरू कर सकते हो। अब आप कहोगे कि भाई मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करूं, मैं तो जो है 58 साल से ही पेंशन लेना शुरू करूंगा, अगर मैं 59 या फिर 60 साल से अगर मैं पेंशन लूंगा तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 58 साल की एज
से पेंशन नहीं लेंगे, अगर आप यहाँ पर 59 साल जो है सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको जो पेंशन मिलेगी उसमें एक साल के हिसाब से जो है 4% का इजाफा हो जाएगा। डिफर्ड पेंशन अगर आप लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर 59 साल अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो 4% आपको जो है एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी हर साल 4%। अगर यहाँ पर 60 एज आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर 8% एक्स्ट्रा आपको पेंशन मिलेगी। अब चलिए मैं आपको कैलकुलेटर के हिसाब से समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया। अब मान लीजिए वही हम 1000-2000 का सिनेरियो रखते हैं, आपकी जो है पेंशन 1000 रुपये बनती है 58 साल की एज में। तो अगर आप 59 साल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हो तो मैंने आपको बताया कि साल के हिसाब से 4% आपको जो है एक्स्ट्रा जो है पेंशन मिलेगी। तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिलेगी तो कितना आपको महीने की एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक साल की पेंशन कितनी होगी, 12000 रुपये, इसको कर देते हैं गुना 4 और यहाँ पर भाग दे देते हैं 100 से, तो आपको जो है 480 रुपये, यानी कि 12480 रुपये एक साल की आपको पेंशन मिलेगी। अब इसको कर देते हैं यहाँ पर भाग 12 से, तो यहाँ पर हो गया 40 रुपये। तो आपको जो है 59 साल से आपको 1040 रुपये पेंशन मिलेगी, यानी कि 4% की आपकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप 60 साल की उम्र से पेंशन लेना चाहोगे तो फिर आपकी पेंशन में जो है 8% की जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, चलो मान लीजिए आपने 59 सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और देखने को मिलता है यहाँ पर हमें, यहाँ पर डेफर्ड पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन का। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, विद कॉन्ट्रीब्यूशन और विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर देखिए इनका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने डेफर्ड पेंशन एज में जो है 59 सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप यहाँ पर विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन आपने सेलेक्ट किया, तो मतलब आपका जो है जो आपको 4% का जो बेनिफिट होना था वही होगा, क्योंकि आपने जो है विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद आप फॉर्म 10D अप्लाई कर दीजिए तो 4% एक्स्ट्रा आपको पेंशन मिलेगी साल के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर विद कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, काफ़ी सारे जो लोग रहते हैं वो काम करते रहते हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप कॉन्ट्रीब्यूशन दे नहीं सकते आगे, तो आपको फिर विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आप जो विद कॉन्ट्रीब्यूशन का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपने जो है यहाँ पर एज सेलेक्ट कर ली 60 साल, ठीक है, और यहाँ पर आपने जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया विद कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यानी कि आप 2 साल में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो। अब देखिए मान लीजिए आपकी 1 साल में 10% सैलरी बढ़ेगी, तो 2 साल में 20% एक्स्ट्रा सैलरी आपकी बढ़ गई, तो जब आपकी पेंशन डिसाइड होगी 59 साल में तो आपका जो एवरेज जो आपको आपकी सैलरी रहती है उसी से डिसाइड होती है, तो आपकी एवरेज जो सैलरी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, और जब आपकी एवरेज सैलरी ज़्यादा रहेगी तो आपकी पेंशन भी ज़्यादा बनेगी। तो अगर आप कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हो आगे 1 साल, अगर आपने 59 सेलेक्ट किया विद कॉन्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया, तो 1 साल के हिसाब से आपकी एवरेज जो है आपकी सैलरी देखी जाएगी और फिर जो है पेंशन कैलकुलेट होती है, तो आपको जो है आपकी जो पेंशन है वो ज़्यादा बनेगी। अगर आप जो है 60 साल सेलेक्ट करते हो विद कॉन्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हो तो फिर आप जो 2 साल एक्स्ट्रा अंशदान दे रहे हो, 2 साल एक्स्ट्रा आप जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो फिर उस हिसाब से आपकी एवरेज जो है सैलरी वो भी ज़्यादा हो जाती है, और जब एवरेज सैलरी ज़्यादा हो जाएगी तो जब एवरेज सैलरी के हिसाब से पेंशन कैलकुलेट होगी तो आपकी जो है पेंशन भी ज़्यादा बनेगी। पेंशन तो ज़्यादा बनेगी बनेगी, इसके साथ साथ आपकी जो है पेंशनेबल जो सर्विस रहती है वो भी 2 साल बढ़ जाती है। अगर आप 60 सेलेक्ट करते हो या फिर 59 सेलेक्ट करोगे, 59 सेलेक्ट करोगे तो 1 साल बढ़ जाएगी, अगर 60 सेलेक्ट करोगे तो 2 साल बढ़ जाएगी। तो इनका ऑप्शन का मतलब यही है, यहाँ पर डेफर्ड पेंशन एज, अगर आप 58 साल की एज में पेंशन नहीं लेना चाहते तो आप जो है 59 साल की एज से पेंशन ले सकते हो या फिर 60 साल की एज से भी जो है पेंशन ले सकते हो। आई होप ये जानकारी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसी लगी ये जानकारी, कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो यही नियम है, आगे अगर कोई नया बदलाव होता है, कोई नया नियम ईपीएफओ लागू करता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूं। बाकी जब भी आप मंथली पेंशन फॉर्म 10D अप्लाई करें, वहां पर अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो एक बार जो है ईपीएफओ से जरूर जो है डिस्कस कर लीजिए, उनका जो क्या नाम है टोल फ्री जो नंबर है वहाँ पर बात कीजिए या फिर ग्रीवेंस रजिस्टर कीजिए, उसके बाद ही जो है अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आपको अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कीजिएगा।
तो बस आज की वीडियो में इतना था, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में अपनी राय, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द एक और नई जानकारी, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।